हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर कोर्स। आज हम जानेंगे राष्ट्रपति से संबंधित जीके के क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो हमारे भारत के राष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो होता है 150,000 रुपये प्रति माह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? तो किसी भी राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? तो राज्य के अंदर जो है राष्ट्रपति शासन की घोषणा राष्ट्रपति ही करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो भारत का जो राष्ट्रपति है राज्यसभा के अंदर 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? ये जो है राष्ट्रपति के चुनाव में अपनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है? वो है राज्यपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? ये जो है संघ व समवर्ती सूची पर अध्यादेश जारी कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किसकी अनुमति के बाद वह अधिनियम बनते हैं? ये जो है राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही अधिनियम नियम बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन आयोग संचालित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले कहाँ भेजे जाते हैं? ये जो है उच्च न्यायालय में भेजे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? ये जो है बिहार राज्य के थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे? ये जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? वो राष्ट्रपति होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, योजना आयोग और मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग और मंत्री परिषद का अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? ये जो है हमारे देश के राष्ट्रपति को है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जा सकती है? तो भारत के राष्ट्रपति की तुलना जो है ब्रिटेन के सम्राट से की जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई थी? वो जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन की कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो भारत का जो राष्ट्रपति है उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? वित्त बिल के लिए जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति 14 सदस्य मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? तो भारत के राष्ट्रपति को जो है संघीय मंत्री परिषद सलाह देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए नहीं लौटाता है? तो ये जो है धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए नहीं लौटाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो पहली बार जो है राष्ट्रपति शासन 20 जुलाई 1951 को लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो भारत के जो है राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को जो है इसकी शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग संविधान का अतिक्रमण करने पर लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? तो भारत के राष्ट्रपति ने जो है भारतीय डाकघर अधिनियम में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो उनकी जो आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकाल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो वो राष्ट्रपति होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ था? तो उनका जो है चुनाव संविधान सभा द्वारा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो वो है विधायी अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो भारत का जो है राष्ट्रपति संसदों एवं विधानसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है यहाँ पर, श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति बनी थी? वो जो है 12वीं राष्ट्रपति बनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? तो नीलम संजीवा रेड्डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो संसद द्वारा महाभियोग चलाकर राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारे 45 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।